सीट घेरने वाली बात है। ये है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। अगर यहाँ पे ना कुछ ऐसी मिर्ची मिलती है। ये है वाटरफॉल और ये सामने का व्यू है। ये मजबूत तो ये भी नहीं है ज्यादा। आपको मोस्टली ट्रिप्स में यही सारी साइट्स देखने को मिलेंगी, लेकिन वो कंडीशन इतनी हार्श है ना कि वहाँ खड़े रहना थोड़ी देर भी वो बहुत डिफिकल्ट है। और यार यहाँ पे आपको ये बहुत एविडेंटली मिलेंगे फ्लैग्स, हर जगह आपने देखे भी होंगे। और यहाँ आ गया टेम्परेचर में मेजर मेजर फॉल। हर शॉप पे आपको लिकर वाइन ये सब मिलेगा यार। तो फाइनली जैकेट वगैरह भी ले लिया एंड शॉप से लिया। हेलो गाइस, वेलकम टू पोलराइट कनेक्शन। और आज वो दिन आ गया है जब हम नॉर्थ सिक्किम के लिए निकल रहे हैं। और यार सिक्किम ट्रिप की स्ट्रगल्स जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। मेरा फीवर अभी भी वैसा ही है, आज भी मुझे फीवरिश फील हो रहा है। मैं दवाई ले रही हूँ बट स्टिल। और पुरु गया है मोची के पास अपने शूज़ बनवाने के लिए क्योंकि उसकी सोल सी उखड़ रही है। उसके बाद हमें अपना एक बैग यहाँ पे सबमिट करना है और निकलना है टैक्सी स्टैंड बाजरा। मीनवाइल आज के दिन की शुरुआत हो रही है यहाँ से, तो इसका बेसिकली सोल थोड़ा खुल गया था और थैंकफुली इस टाइम पे मार्केट में खुला हुआ भी मिल गया कॉबलर की शॉप, तो यहीं से कराते हैं पहले और उसके बाद निकलते हैं। शूज हो गए हैं अपने परफेक्ट, लेट्स गो। अभी आप देख ही पा रहे होगे सारा मार्केट क्लोज है और हमें थोड़ा जल्दी टाइम से निकलना है जिससे कि टैक्सी में अपनी मन की सीट ले सके हम, वो कि आगे की, बिकॉज कैमरा बैग वगैरह सब रहता है तो आगे की सीट कन्वीनियंट रहती है। तो जहाँ नॉर्थ सिक्किम के लिए जहाँ से बस मिलती है उसे बोलते हैं वाजरा स्टैंड। यहाँ एमजी मार्ग से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर वो शो कर रहे हैं। ये है अपना बैग जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। ये सेफ इधर गिरेगा तो नहीं, ये ऐसे ही सिर्फ भी पहुंच जाएगा। ये गिरेगा तो पैसा भी मत देना, नया इतना लगाना इसमें। बहुत तेज हो रहा है। तो निकल गए टैक्सी स्टैंड के लिए और एक बार हाँ नॉर्थ सिक्किम पूजा के लिए दवाई ले रहे हैं। तो यार ये पहुंच गए हम वाजरा टैक्सी स्टैंड। टाइम हो रहा है 9:30 और ये बेसिकली टॉप फ्लोर है, यहाँ पे फ्लोर के हिसाब से रहता है। कॉल करते हैं ड्राइवर को। फाइनली हमें अपनी गाड़ी मिल चुकी है और थैंकफुली हम फर्स्ट थे, तो अब हमें जो सीट चाहिए वो हम ले पाएंगे। और जो पैकेज बुक होता है ना, इनफैक्ट यहाँ भी हो जाता है, बिकॉज जो होटल्स वगैरह बुक कराते हैं वो ये जो ड्राइवर होते हैं वही कराते हैं। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो एक एजेंसी कंपनी होगी वो बुक करा रही होगी, वो अपना कमीशन लेती है, बाकी सब चीज़ छोड़ देती है। इनफैक्ट सीट घेरने वाली बात है। चलो ये तो अच्छा हुआ, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ये अच्छा हुआ कि, बट ये है यार ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, पता है तुम्हें, ऐसा कोई रिजर्व नहीं रह पाएगी क्योंकि लोग उतरेंगे चढ़ेंगे। तो क्या हो गया जहाँ बैठते हैं वहीं पे तो बैठते हैं, कंफर्ट सर बता है तो पहले आता है तो जब अगले स्टॉप अगले दिन जब निकली पहले भी आके बैठ जाते। वी डोंट डू दैट हियर। तो यार भैया ने ऊपर लगा दिया है सामान और बता रहे थे कि सब्जी वगैरह भी वो यहीं से लेके जाते हैं। अखिल तो भैया का नाम होता है, तो इंडियन का नेपाली का कहना होता है। यहाँ से बेसिकली पहला जो पॉइंट पड़ेगा वो सेवन सिस्टर्स ही पड़ेगा, सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो होता है। 30 किलोमीटर्स बता रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.25 घंटा यहाँ से हमें लगने वाला है। एंड देन उसके बाद आगे की और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो पड़ेंगे। क्यों अभी का मौसम देख के क्या लग रहा है, आगे बारिश मिलेगी या नहीं, क्लियर होगा? अच्छा, नहीं होता तो कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेट्स सी बारिश मिलती है या नहीं मिलती और वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो अभी भैया ने बताया बेसिकली हमें उस तरफ ही जाना है पहाड़ पे और यहाँ से सारा घूम के जिसमें कि 30 किलोमीटर हमें ऑलमोस्ट कवर करना है। तो इधर सामान छोड़ के जा रहे हैं और पहुंच गए सेवन सिस्टर्स फर्स्ट स्टॉप। कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक है। यहाँ पे है सेवन सिस्टर वाटरफॉल, लेट्स सी। ये है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। आई डोंट लाइक वेयर दिस इज गोइंग, डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कॉलिंग सेवन सिस्टर। और इधर से जो स्ट्रीम आ रही है, एक ये है एक वो है, आप इधर तक जा सकते हो, इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बेसिकली सारे। बट इसका पॉइंट क्या हुआ मुझे तो ये नहीं समझ में आया, ऐसे तो पता नहीं कितने सारे रस्तों में ही देख लिए थे हमने फॉल्स। अब जो भी है यही है, लेट्स होप कि आगे और कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले। यहाँ पे 20 मिनट का हॉल्ट है एंड
उसके बाद चलते हैं 20 मिनट भी क्या ही रुकना, मतलब आप 5 मिनट में देख सकते हो जो भी कुछ। खत्म। जो का मैगी खाने का मन कर रहा है और हाँ क्योंकि मैगी तो बहुत, यहाँ जब से आए तब से हमने मैगी खाई नहीं है। क्या लगता है कैसी होगी मैगी यहाँ की? यार पता है वैसे जैसी भी होगी मुझे टेस्ट तो अच्छा आएगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से पक रही है यहाँ की मैगी में एक तो अलग जो दिख रहा है वो है कैबेज। जैसे कि ड्राइवर भैया ने बोला है सबका दाना पानी यहीं पर है। लस्सी क्या मिलता है खाने में? तो यहाँ हमारी आर्मी की बस भी खड़ी हुई है, तो ये कुछ ऐसी जगह हम बैठे हैं। मेरे ख्याल से फिक्स मेन्यू होगा पहले से, तो लस्सी क्या होता है यहाँ ये सब्जी है, सोयाबीन है, थोड़ा थोड़ा, तो सिर्फ यहाँ पे राइस ही मिलने वाले हैं। ये कुछ मील है हमारी आज की और दाल भी है साथ में। तो यार यहाँ पे ना कुछ ऐसी मिर्ची मिलती है, इसका नाम मुझे पता नहीं क्या बोलना। तो यार ये कपूर का भी एक पैकेट ले लिया है, बेसिकली बोल रहे हैं कि ऊपर जरूरत पड़ भी सकती है नहीं भी पड़ सकती है, तो चांस को लेना हमने लेके रख लिया है। और ऐसा भी है कि ऊपर जितना जितना ऊपर आते जाते जाएंगे हर चीज महंगी होती जाएगी, तो बेटर है कि पहले से। बाकी खाना वाना खा लिया और सही था, और वो जो छोटी वाली मिर्ची जो मैंने आपको दिखाई थी ना भाई साहब, वो पहल कर पहुंच गए हैं इस सेकंड पॉइंट पे। और इसका और नाम ये है मियोंग वाटरफॉल। तो यार हवा तो बहुत तेज हवा आ रही है और एकदम ठंडा ऐसे फ्रेश पानी हवा। तो ये है वाटरफॉल और ये सामने का व्यू है। जो सनलाइट होती है ना पहाड़ों की वो बड़ी मजेदार लगती है। अभी फॉर एग्जाम्पल इधर आओ, इसलिए भी लग रही है। तो यार बस सब निकलने वाले यहाँ से। बेसिकली क्या होता है की 10-10 मिनट का ऐसे ब्रेक लेते हैं, रोकते हैं और उसी बीच में आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये तो छोटी छोटी सी डेस्टिनेशंस पड़ती हैं, मेन जो है वो ऑब्वियसली वो लेक ही है, और ऊपर की वो जो क्या नाम है, ऊपर का जो लैंडस्केप होगा जो स्पीति की तरह भी लगता है, बहुत बैरन लैंड भी होगा, बहुत ग्रीन लैंड भी होगा, तो उस चीज़ का है मेन। लेट्स सी, सारी गाड़ियाँ रुकती हैं इस तरीके से। यहाँ एक और आई अभी, नेक्स्ट स्टॉप पे भी आ चुके हैं और इसका नाम है नागा फॉल्स, और ये भी 10 मिनट के डिस्टेंस पे ही पड़ जाता है। तो बेसिकली ये इस तरीके का फॉल है और यहाँ ब्रिज बना हुआ है और इधर नीचे जा रहा है और ऊपर का ये व्यू है। बट ये थोड़ा हाइट पे है, मतलब थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इसका व्यू थोड़ा अच्छा है। क्योंकि अदरवाइज जो टनल्स होती है वो पूरी प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड होती है, तो ये थोड़ा रॉ ही रखा था और अंदर से भी गीली वो सरफेस थी, वो वैसी थी और अंदर से पूरी गीली थी। तो चीज़ दूसरी चीज़ एक जो अभी पता चली कि जो चेक पॉइंट लास्ट पड़ता है वहाँ से आगे आप प्लास्टिक की बेसिकली डिस्पोजेबल वाली कुछ भी बॉटल नहीं ले जा सकते, एक लीटर की तो मिलती नहीं है, तो बड़ी भी नहीं ले जा सकते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि माइंड में रखना चाहिए, अदरवाइज उसका बहुत हैवी फाइन है शायद। मजबूत तो ये भी नहीं है ज्यादा, यहाँ का 360 व्यू। चुंगथांग डैम है, तो ये है चुंगथांग डैम। और ये टेस्ट रिवर के ऊपर है ऑब्वियसली। हाँ ये टेस्ट रिवर के ऊपर, और यहाँ की हालत तो ज्यादा अच्छी लग रही है। रोक रखा है ना? अच्छा रुक, इधर की साइड रुका हुआ है, थोड़ी थोड़ी अब होने लगी ना, हल्की हल्की सी ठंडी हवा से चलने लगी। अब शायद थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ जाएगी जैकेट वैकेट पहनने की, तो अब सीधे लाचुंग रुकेंगे और जहाँ भी स्टे कर रहे हैं वहाँ पे रुकेंगे।
तो देखते हैं स्टे कैसा होता है। और ये थी यार फर्स्ट डे की सारी साइट्स, आपको मोस्टली ट्रिप्स में यही सारी साइट्स देखने को मिलेंगी जो कि आपको दिखाई हमने। अब इनके थोड़े थोड़े विंटर्स में आपको अलग फील मिलेगा, इस टाइम का अलग फील है, तो वो सारा डिफरेंस वही। बट यहाँ तक तो बर्फ नहीं पड़ती है विंटर, विंटर्स में यहाँ तक भी बर्फ नहीं पड़ती ना, यहाँ भी ठंडा होने से नहीं पड़ता इधर। अच्छा, तो ये चाह रहे कि पड़ जाती तो अच्छा होता। नहीं नहीं, ये आउल पड़ता है ना, लेक और ऊपर है ना। अच्छा अच्छा, इधर ही पड़ेगा तो फिर ऊपर क्यों जाने, ऊपर क्यों जाएगा कोई। सही बात है, तेरे बाप को मत सिखा चल। तो कल हम जाएंगे फाइनली गुरु दोंगमार लेक, जिसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वो यार नेक्स्ट लेवल है, वहाँ पे आपको स्पीति की भी फील आने वाली है, बिल्कुल बैरन लैंड भी मिलेगा और लेक का तो व्यू अलग है। मेरे ख्याल से हाईएस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। और कितने फीट पर है वो? 17,100 फीट पर है। और भले ही जा वहाँ आप गाड़ी से रहो ट्रैक, लेकिन वो कंडीशन इतनी हार्श है ना कि वहाँ खड़े रहना थोड़ी देर भी वो बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा बोलते हैं हवा वगैरह बहुत तेज चलती है, एक पर्टिकुलर टाइम ही होता है जिसके बीच में देख सकते हो, उसके बाद फिर आर्मी वहाँ से भगाने लगती है, तो बहुत छोटा सा टाइम फ्रेम रहता है। उसके बाद जो सारे पॉइंट्स हैं धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएंगे वो आपको ब्लॉग में पता चलते ही जाएंगे। तो आज हम लाचेन में स्टे करने वाले हैं, लाचुंग में नहीं, कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है नाम का। दैट्स इट फॉर नाउ एंड चलते हैं अब यहाँ से। अब नज़ारे थोड़े से है ना अब बदल रहे हैं नज़ारे, और ठंड भी बढ़ रही है। मैंने भी जैकेट वैकेट डाल लिया। और यार यहाँ पे आपको ये बहुत एविडेंटली मिलेंगे फ्लैग्स, हर जगह आपने देखे भी होंगे। इनका रीज़न भी मैंने पूछा था, बताया था शायद उस टाइम पे आवाज़ क्लियर नहीं हो रही होगी, आप जो देख पा रहे होंगे इन पे मंत्रास लिखे हुए हैं। तो बेसिकली ये ऑस्पिशियस माने जाते हैं और कुछ भी इनका पर्पस भी बहुत डिफरेंट है। जैसे अगर वाइट कलर के होते हैं जो उसमें 108 फ्लैग्स लगाते हैं, वो स्पेशली अगर किसी के फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है उसके बाद लगाते हैं वाइट कलर के 108 लाइन्स है। और ये जो कलरफुल है, ये अगर आपने कोई भी अच्छी चीज़ हुई है प्रोटेक्शन के लिए, वेलफेयर के लिए, घर बना रहे हैं उसके आसपास, तो वही है। सबके यूज़ अलग अलग है, पर्पस अलग अलग है, बट वही है कि बुद्धिस्ट मंत्रास है इसमें। क्यूट सा छोटा सा होम स्टे है और ये बैम्बू का बना हुआ है, तो बहुत ही प्यारा सा लुक और फील आ रहा है इसका। बहुत, बस 2-3 रूम का है और आगे एक शॉप है जहाँ पर हम चाय पी रहे हैं अभी, उसके बाद तो बस निकलना ही है। और यार बहुत जल्दी सनसेट हो गया ऑब्वियसली ईस्ट, और रात जल्दी अंधेरा हो गया, तो पता नहीं आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं, तो अभी देखते हैं। ये है होटल और बाकी सीन ऐसा है, बेसिकली मेन रोड की तरफ से हम आ गए अंदर। इधर से है एंट्री, वो भी नहीं थी मेन, और ऐसा लग रहा है नया नया ही बना है कुछ। तो ये पुरु जापास सामान ले जाते हुए, ये है रूम, अच्छा फैन की तो जरूरत है ही नहीं। yes. और ये बाथरूम है, गीजर है थैंकफुली। यार यहाँ आ गया टेम्परेचर में मेजर फॉल, और पता नहीं टेम्परेचर तो 19 ही दिखा रहे हैं नेट पे, बट यहाँ ठंड इतनी फील हो रही है ना, कतई 19 नहीं है ये भाई, कतई 19, मतलब बहुत अच्छी खासी ठंड फील हो रही है। तो वही हमें जस्ट रियलाइज हुआ कि पता नहीं हम यार उतनी वार्म जैकेट लेके नहीं आए, और मेजर मिस्टेक, मतलब आप चाहे गर्मी में आ रहे हो यहाँ तो, पर जैसे हेमकुंड साहिब में हो जाती है यार, एक जैकेट तो कैरी करना इज मस्ट मोटी। हाँ बाकी यार अभी हम निकल गए भारी सी लिए कि कुछ देखते हैं यहाँ पे मार्केट में मिल पाए अगर कोई वार्म क्लोथ्स वगैरह। इधर थी कुछ मार्केट, एक शॉप ये थी, तो यार वार्मर थी उन पे, बट ये बस पूजा के लिए ही थी और बहुत ही वार्म थी, वो लोकल वैसा था वार्मर, तो वो 350 का उन्होंने बोला था। आगे भी एक शॉप दिख गई और यस ये कपड़ों की ही लग रही है ज़्यादा, तो इस पे देखते हैं, वो तो कन्फेक्शनरी लग रही है बट यहाँ पे होता सब कुछ है, तो लेट्स सी। दूसरी शॉप एक ये है, यहाँ ज़्यादा थोड़े कपड़े लग रहे हैं, और यहाँ हर शॉप पर आपको लिकर वाइन ये सब मिलेगा यार, पानी ठंड की वजह से भी ज्यादा। ये जो डेमोक्स ऑफर चाहिए, नहीं नहीं मेडिसिन, मेडिसिन तो है। हाँ तो फाइनली जैकेट वगैरह भी ले लिया एंड इस शॉप से लिया, यहाँ पे सब मिल जाता है। कौन सा होटल है ये? जस्ट पीछे वाला होटल है। बैक साइड। हाँ हाँ हाँ,
वहाँ तो टेम्परेचर काफी कम होगा ना, गुरुदंबर में तो बहुत कम होगा, तो इस टाइम पे रिकमेंडेड है जैकेट। ठीक है चले, ओके थैंक यू सो मच, गुड नाइट। हो गया दोनों का जुगाड़ और अब टेंशन नहीं है, है ना, अब टेंशन नहीं है। जैकेट भी अच्छी लग रही है, कूल लग रही है, एक बार अंदर मैं पहन के दिखाऊंगा। तो अभी जा रहे हैं फाइनली डिनर करने के लिए। बेसिकली यही वो जैकेट थी जो मैंने ली थी, एक ये हेडबैंड लिया था, पूजा नहीं है टोपी ली थी, और वो अमल ली थी जो पहन लिया है। ऐसा किचन है। अभी जस्ट फिनिश करा हमने बहुत ही सादा सिंपल येट यमी डिनर। कुल दो दिन बाद मुझे थोड़ा सा किसी चीज़ का टेस्ट आया, तो शायद इसलिए भी वो मुझे अच्छा लग रहा था। बाकी आज के दिन को ये फिनिश करते हैं और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, जिसमें हम जाएंगे गुरुदोंग लेक। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।